कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी के हरक बाजार से प्रतिज्ञा यात्रा को झंडी दिखा करके शुरुआत कर दी है। यूपी में कांग्रेस की 3 प्रतिज्ञा यात्राएं शुरू हो गई हैं। प्रियंका गांधी के झंडी दिखाने के बाद बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर से यात्राओं की शुरुआत हो गई है। 1 नवंबर को तीनों यात्राओं का समापन होगा। बता दें, प्रियंका गांधी ने यूपी की जनता के लिए 7 प्रतिज्ञाएं भी ली हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर 7 प्रतिज्ञाएं पूरी की जाएंगी। प्रियंका गांधी की फोटो के साथ लगे 7 पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। पोस्टरों में टिकटों में पहली प्रतिज्ञा महिलाओं की 40% हिस्सेदारी, दूसरी प्रतिज्ञा लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, तीसरी प्रतिज्ञा किसानों का पूरा कर्ज माफ, चौथी प्रतिज्ञा 2500 रुपए गेहूं धान और 400 रुपए गन्ना किसान, पांचवी प्रतिज्ञा बिजली का बिल हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, छठी प्रतिज्ञा दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000, सातवीं और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यूपी के युवाओं को 20 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रदेश में हमारे जितने भी नेतागण हैं वे 4 अलग यात्राएं निकालेंगे, जिसमें से 3 की शुरुआत आज है। 1 यहां बाराबंकी से निकलेगी, तो उसका शुरुआत करने के लिए मैं यहां आई हूं और आप सबको कहने के लिए कि हमारी कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासी पिच पर प्रियंका गांधी इस वक्त धुआंधार बैटिंग कर रही हैं। अभी तक प्रियंका का कोई तोड़ दूसरी पार्टियां और खास करके बीजेपी नहीं ढूंढ पाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रियंका की 7 प्रतिज्ञाएं यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा दिलाती हैं।